हाँ, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला। जी, आज एक प्रेस वार्ता की गई है, क्या? प्रेस वार्ता में मेन यही था कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है, समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, और समाज में जो एक ऐसा वर्ग है, हम उस वर्ग तक पहुँचना चाहते हैं जो अभी कई मायने में जो एक सोशल पैटर्न है उससे काफ़ी दूर है, और उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, अभाव भी हैं। उन अभावों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हो। ब्लड डोनेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड की कमी रहती है, ब्लड नहीं मिलता है। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट पूरे शिमला में और हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद बस्तर बैंक का जो कार्यक्रम है, नितिन जी ने बताया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर करते हैं और शिमला में भी करते हैं। करीब पिछले वर्ष 500 कंबल 500 परिवारों तक पहुँचे, एक परिवार को एक नया कंबल, और जो पुराने बस्तर हम पूरे शहर से इकट्ठा करते हैं वो उन लोगों तक, उनके घरों तक पहुँचाते हैं। सो दैट सर्दी के मौसम में हमारा एक पैम्पलेट भी हमने बनाया कि आओ इस सर्दी के मौसम में कुछ खुशियाँ बांटें। वो खुशियाँ उन लोगों के लिए जो इस समाज में रहते हैं मगर उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने को, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो कुछ तो ऐसे भी वाक्या मिलते हैं कि रात को जब हम कहीं पे भी किसी बस्ती में गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बिना कपड़ों के बड़ी ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर के चुपचाप वहाँ पर जाकर के उनको कंबल उड़ा के अपने आगे चले जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट कर रहा है।